दोस्तों भारतीय टीम ने नागपुर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस गंवा दिया हो, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बिल्कुल निराश नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच की पहली पारी में चारों खाने जीत हो गई। मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने थोड़ा योगदान जरूर दिया, लेकिन टीम 200 रन भी नहीं बना सकी। दोस्तों इस वीडियो में हम मैच के पहले दिन की हाईलाइट कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप रविंद्र जडेजा के बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से खराब शुरुआत देखने को मिली है, क्योंकि नागपुर में टीम चारों खाने जीत हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 177 रन ही बनाकर ढेर हो गई। कंगारू बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने टिक नहीं पाए, उन्होंने 5 विकेट चटकाए, जबकि दिग्गज ऑफ स्पिनर आर अश्विन को 3 विकेट मिले। एक एक सफलता मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को मिली। आपको बता दें, एक समय जब मानस लबुशेन और स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में बड़ा स्कोर हासिल कर लेगी, लेकिन जैसे ही लबुशेन को जडेजा ने चलता किया तो टीम के बाकी 7 बल्लेबाज 100 रन भी नहीं जोड़ पाए। टीम को तीसरा झटका 84 रन के कुल स्कोर पर लगा था। हालांकि चौथा झटका भी इसी स्कोर पर कंगारू टीम को रविंद्र जडेजा ने दिया था। दोस्तों मैच के पहले दिन के हीरो रहे सर जडेजा और जडेजा का पंजा। दोस्तों लगभग 6 महीने के लंबे समय तक घुटने की इंजरी के सर्जरी के चलते जडेजा बाहर थे और उन्होंने खतरनाक कमबैक करते हुए कंगारू की आधी टीम को धराशायी कर दिया। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार गेंदबाजी की है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। हालांकि शुरुआत में मैच में रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिले थे, लेकिन दूसरे सेशन की शुरुआत में ही उनको सफलता मिली और फिर वे विकेट चटकाते चले गए। उन्होंने 22 ओवर में 47 रन दिए और 5 विकेट निकाले। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए केवल 4 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, जिनमें मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी और पीटर हैंडसकॉम्ब शामिल थे। लबुशेन ने 49, स्मिथ ने 37, एलेक्स कैरी ने 36 और पीटर हैंडसकॉम्ब ने 31 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जडेजा को 5, अश्विन को 3, शमी और सिराज को 1-1 सफलता मिली। अक्षर पटेल का खाता खाली रहा। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत जबरदस्त रही। कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे स्टाइल में शुरुआत करते हुए पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को 3 चौके जड़ दिए। उसके बाद रोहित ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 9 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और कंगारू गेंदबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया। शादी के बाद वापसी करते हुए केएल राहुल ने बहुत ही धीमी शुरुआत की। जहां रोहित रन बना रहे थे, वही राहुल रनों के लिए तरस रहे थे। दिन के अंत में 2 ओवर शेष रहते ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू करने वाले टॉड मर्फी ने ऑस्ट्रेलिया को केएल राहुल के रूप में पहली सफलता दिलवाई। राहुल कुछ खास नहीं कर पाए और 71 गेंदों में 1 चौके की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। राहुल के आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन अश्विन बैटिंग करने आए और उन्होंने दिन की लास्ट ओवर खेलते हुए निकाली। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 24 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 77 रहा। शर्मा 56 और अश्विन 0 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। आज भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जहां सबसे कम मैच में आर अश्विन ने मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 450 विकेट अपने नाम किए और भारत की तरफ से तीसरे 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। वही भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव और विकेट कीपर बल्लेबाज KS भरत को डेब्यू करने का मौका मिला और रोहित शर्मा पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कप्तानी करते नजर आए। तो दोस्तों भारत की तरफ से कौन सा बल्लेबाज कल शानदार बल्लेबाजी करेगा, कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें और ऐसे ही क्रिकेट की शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।